दोस्तों, यूपी पेंशन का स्टेटस आप किस तरह से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से चेक करेंगे, चाहे आपका वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन है और आप अपने पेंशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से अपने पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमेशा बना के लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यूपी पेंशन की ऑफिशियल पोर्टल पर चले आना है। जैसे कि मैंने इस पोर्टल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ, आप उस लिंक के माध्यम से इस पोर्टल पर जो है रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से अपना स्टेटस चेक कर रहे होंगे तो यहाँ पर ऊपर में तीनों पेंशन का नाम आपको देखने को मिलता है, वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग कुष्ठा अवस्था पेंशन। और अगर आप मोबाइल से करे होंगे, चेक कर रहे होंगे मोबाइल से, तो यहाँ पर तीन लाइन बनी होंगी, तो आपको तीन लाइन पर क्लिक करना है, थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, जैसे टच करेंगे, तो यहाँ पर तीनों पेंशन का नाम आपको देखने को मिलता है। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, कुछ समस्याएं हो रही हैं, तो आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर नीचे भी आपको तीनों पेंशन का नाम देखने को मिल जाता है। तो आपका जो भी पेंशन होगा, आपको अपने पेंशन के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा होगा योजना के विषय में, तो आपको सिंपली इसी पे टच कर देना है। और इस पे आप जैसे टच करेंगे तो ये अगला स्टेप आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर लिखा होता है आवेदक लॉगिन, तो आपको सिंपली आवेदक लॉगिन वाले ऑप्शन पर टच कर देना है। और इस पे आप जैसे टच करते हैं तो ये अगला विंडो आपके सामने कुछ इस तरह का शो हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर लिखा होता है सेलेक्ट पेंशन स्कीम, तो आपको सिंपली इसी पे टच कर देना है। तो आपका जो भी पेंशन होगा, आपको अपने पेंशन का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और अपने पेंशन का नाम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन आईडी, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, आपके पेंशन का जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, उस आईडी को यहाँ पर आपको टोटल फिलअप कर देना है। जैसा कि अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं पता है, तो अभी मैंने दो दिन तीन दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि आप किस तरह से अपने पेंशन का रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त करें, किस तरह से पता करें, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आप उस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से अपने पेंशन का रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं। तो आपको अपने पेंशन का रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर सिंपली फिलअप करना है। यहाँ पर लिखा होता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके पेंशन के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है। और उसके बाद में आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंक का ओटीपी सेंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नीचे भी लिख के आ जाएगा कि आपका ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जो है सेंड कर दिया गया है। तो अब आपको अपना ओटीपी यहाँ पर एंटर कर लेना है, टाइप कर लेना है। और उसके बाद में इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। और उसके बाद में आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहीं पर एक चीज़ पहले ध्यान दे लेना है, जैसा कि यहाँ पर इस कार्ड में आप देखेंगे तो लिखा होगा आवेदन की स्थिति। जैसा कि यहाँ पर आपको तीनों स्टेप वेरीफाइड होने चाहिए, आपका यहाँ पर चेक करना है, आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लेना है यहाँ पर आपका तीनों स्टेप जो है ग्रीन टिक में सही का निशान लगा हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ पर तीनों स्टेप जो है वेरीफाइड होते हैं, सक्सेसफुल कंप्लीटेड होते हैं, यहाँ पर तीनों स्टेप टिक लगे होते हैं, तो आपके पेंशन में कोई समस्या नहीं है। और आपको पूरा डिटेल में चेक करने के लिए आपका पेंशन बना कि नहीं बना, आपका पेंशन का पैसा आएगा कि नहीं, आपको कैसे पूरा डिटेल में चेक करना है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, तो आपको सिंपली इसी पे टच कर देना है। और इस पर आप जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर ओके का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपके पेंशन का स्टेटस पूरा डिटेल में ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक का आपका पूरा डिटेल मेंशन किया जाता है कि आपका पेंशन का पैसा आएगा कि नहीं, आपका पेंशन बना कि नहीं बना और कब जो है फॉरवर्ड हुआ, यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया जा रहा है। और यहाँ पर आपको पीएफएमएस अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर एक्सेप्टेड लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा कि अभी बहुत लोगों के पेंशन में जो है टू बी अपलोडेड ही लिख के आ रहा है, उनका पेंशन नहीं बन पा रहा है। तो उनके पेंशन में क्या समस्या है, क्या करना होगा कि उनका जो है पेंशन बन जाए और उनका पेंशन का पैसा भी आना स्टार्ट हो जाए। जैसा कि उनको जो है अपने समाज कल्याण ऑफिस में जा करके अपने फॉर्म को जो है एक्सेप्टेड कराना है, वहां पर जो है अप्रूव करवा लेना है, एक्सेप्ट करवा लेना है। अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तब तो आपका पेंशन श्योरली बन जाएगा। और यहाँ पर पूरा डेट भी मेंशन हो जाएगा कि आपका पेंशन कब जो है फॉरवर्ड किया गया, कब बनाया गया। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल भी आपके पेंशन का शो होकर आ रहा है, जैसा कि आपका फोटो, बारकोड वगैरह, आपका नाम, यहाँ पर पूरा पता, आपका पूरा डिटेल
शो होकर आ रहा है, आप इसको अच्छी तरीके से चेक भी कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी करना चाहते हैं। यहाँ पर ऊपर में आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन भी मिल रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके जो है इस स्टेटस को जो है प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका चाहे जो भी पेंशन होगा, आप इस तरह से जो है अपने पेंशन का स्टेटस बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। और अभी भी आपका कोई सवाल होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।